हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, ऐसा है कि यार अभी हम सेक रहे थे धूप, काफ़ी देर तक धूप सेकी है, तो धूप सेकने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो बस तो गाइस यार, अभी मैं आया था ऐसे ही, बस यूं ही चक्कर लगाने के लिए। दिल कर रहा था कि चलो बाहर कहीं घूमने जाएँ, तो यार मैं आ गया अभी ऐसे बस। यहाँ पर सारा जो है, जितना भी रोड है, कच्चा रोड है। तो अभी यहाँ पर है बॉर्डर क्रॉसिंग, हम यहाँ पे करेंगे वाटर क्रॉसिंग। पानी की इतनी साउंड आ रही है ना भाई, आपको क्या बताऊँ। ये पानी भी काफ़ी दूर ऊपर से आ रहा है, तो मेरी बाइक चल रही है, अपना साथ दे रही है, नज़ारे हमें पूरी पूरी नज़ारे दे रही है। तो चलो गाइज, चलते हैं ऐसे यूं। तो गाइज यार, अभी मैं चल रहा हूँ पैदल, क्योंकि नीचे आई थी स्लाइडिंग, तो इसी वजह से मुझे बाइक जो है वहीं पर लगानी पड़ी। तो यार देखो, रोड का एकदम पूरा हाल हो चुका है ऊपर से स्लाइडिंग आ के। तो भाई वहाँ ऊपर लगी हुई है मशीन, तो वहाँ पे मेरा दोस्त काम कर रहा है, तो हम जाएंगे अभी वहीं पे। यार क्या बताऊँ, अभी कम से कम आधा घंटा लग जाएगा वहीं पे। ओह चलो गाइस, चलते हैं। वो कह रहा था कि मोहित भाई आ जाओ यहाँ पे, इसलिए मैं सोचा चलो यार चलते हैं वहाँ पे, चक्कर लगा के आते हैं। भाई देखो यार, एकदम से कितने ऊपर से पूरी की पूरी स्लाइडिंग हो चुकी है। और हाँ भाई, ये देखो ना यार, यहाँ पे तो अभी थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ी हुई है, अभी तो थोड़ी थोड़ी स्नो है, लेकिन 90% जो है पिघल गई है, बस थोड़ी थोड़ी बची हुई है। तो गाइस अभी काफ़ी दूर जाना है यार हमें, चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अभी ऊपर जाके मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है यार भाई, सांस फूलती है ना, इसलिए ऊपर चल के आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो यार भाई देखो, यहाँ पर कितनी स्लाइडिंग आई है, पूरे ऊपर से पूरी की पूरी पहाड़ी आ गई है। देखो रोड यहाँ पे बंद हो गया है, तो हमें तो जाना भाई अभी ऊपर उस वाली पहाड़ी पे जाएंगे अभी हम। सो चलो यार चलेंगे भाई। तो गाइस यार, यहाँ पे पहुँच गया हूँ, काफ़ी सांस फूल रही है भाई। तो यहाँ पे हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए। तो भाई यार देखो, यहाँ पे कितने देवदार के पेड़ हैं, कितने अच्छे अच्छे। बैठते हैं भाई 10 मिनट, फिर निकलते हैं ऊपर। अरे भाई ऊपर बहुत चढ़ाई है यार, दूर जाएगा कौन। वो ऊपर लगी हुई है मशीन भाई, दिख रही होगी आपको, वो लगी है ऊपर। तो भाइयों यार, यहाँ पे जितने भी हैं सारे देवदार के पेड़ हैं, बहुत देवदार है यहाँ पे। वो ऊपर गांव दिख रहा है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है। तो गाइस यार कितना अच्छा एरिया, क्या बताऊँ आपको, बहुत ही मस्त एरिया एकदम। वैसे एक बात बता दूं भाई, ये जो रोड का काम चल रहा है, ये मेरे गांव को ही रोड का काम चल रहा है। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद यहाँ आया हूँ। वो लास्ट देखो ऊपर ऊपर, वहाँ तो काफ़ी देवदार है, बर्फ़ भी है भाई। जो लोहड़ी के बाद वाली जो बर्फ़ होती है ना, वो जल्दी पिघल जाती है। जो लोहड़ी से पहले जो बर्फ़ पड़ती है, वो पिघलती नहीं है जल्दी, इसके पीछे भी काफ़ी रीज़न है। तो भाई अभी तो फिलहाल आपको क्या बताऊँ यार, बहुत चढ़ाई है। देखो चढ़ाई यार ऊपर 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 ऊपर, काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप खूब इंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो, सब कुछ यहाँ पे नेचुरल मिलता है भाई, नेचुरल हवा, नेचुरल वाटर, सब कुछ भाई। देखो यार मैं कितने दूर से आया हूँ, पैदल चल रहा हूँ। चलो गाइस मिलते हैं आपसे यार ऊपर जाके, मेरा तो बड़ा बुरा हाल हो रहा था, थक में लग रही है। तो भाइयों यार, मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ, और ऊपर से मेरे को पसीना भी काफ़ी आ रहा है, सांस भी फूल रही है। अभी मैंने यहाँ पे बैठ के दूसरा रेस्ट किया है। तो भाई यार मैं आपको क्या बताऊँ, मैं पूरे रोड से पैदल चल 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 के यहाँ से घूम के, और यहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़ के यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ पर मैं रुका, तो यहाँ पर देखा कि भाई ये स्पैन बनाया गया, जिससे कि यहाँ पर रोड का कटिंग चलनी थी, जो देवदार के पेड़ आ रहे थे उनकी कटिंग हुई थी। तो उससे क्या कि काफ़ी दूर दूर कटिंग होती है ना, जैसे वहाँ आपको देवदार के पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देवदार आ रहे हैं रोड के बीच में, वहाँ उसकी कटिंग की। तो वहाँ से जो है यहाँ पहुँचाने के लिए इन्होंने इस पैन का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि इसके ऊपर जो है वो देवदार की लकड़ी डाली जाए और उससे यहाँ लाई जाए, और यहाँ से जो नीचे इन्होंने यहाँ नीचे को शिफ्ट किया, और यहाँ से गाड़ी में लोड करके ले गए। काफ़ी अच्छा देसी जुगाड़ बनाया गया भाई, लेकिन एकदम मस्त बनाया गया। तो क्या बताएं आपको। सो चलो गाइस,
चलते हैं यार, अभी तो बस 10 मिनट और लगेंगे, पौना घंटा तो मुझे लग गया नीचे से यहाँ चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, अभी शायद 10-15 मिनट लग जाएंगे ऊपर चढ़ते। तो चलो यार, काफ़ी स्वेटिंग हो रही है भाई, मुझे पसीना बहुत आ रहा है। और ये लिए हुए, मेरा फ्रेंड कह रहा था कि भाई कुछ खाने को ले आना, तो यहाँ पे शॉप तो थी नहीं, एक छोटा सा खोखा टाइप था, उससे बिस्किट ले लिए भाई। तो चलो गाइस चलते हैं यार, यहाँ पे यार एरिया इतना अच्छा है ना, क्या बताऊँ आपको, मैं ऊपर जाके यहाँ का पूरा व्यू बताऊँगा, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग जगह है और व्यू भी काफ़ी है। तो चलो गाइस चलते हैं ऊपर। तो भाई भैया अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो आप देख सकते हो यार कितने दूर चढ़ के आया हूँ मैं। अभी यहाँ पे मैंने तीसरा रेस्ट किया है और हमें फाइनली यहाँ पे एक घर देखा है। घर तो और भी हैं लेकिन वो साइड हमें जाना है, इस साइड, क्योंकि मशीन लगी है इस साइड। भाई मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा यार, बहुत अच्छा व्यू है भाई, क्या बताऊँ, इस जगह मैं भी पहली बार आया हूँ। तो चलो क्या करना, इसी बहाने चलो यहाँ पे, देख तो लिया ना भाई हमने, नया गांव भी देख लिया, नई जगह भी देख ली। और भाई आपको क्या बताऊँ, मेरी सांस बहुत फूल रही है, तो इसलिए भाइयों अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखा करो यार, अगर मोटे हो गए ना तो भाई चला नहीं जाएगा मेरी तरह, इसलिए अपने आप को फिट रखा करो। तो भाई यार यहाँ पे था कुत्ता, तो यार ये ऊपर से भाई कह रहा था कि को खाता है तो उससे थोड़ा बच के आना, इसलिए मैंने इनका ही एक घर का एक छोटा सा लड़का था, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा यार इसको रोक, नहीं तो भाई मुझे ये गार्ड वार्ड लेगा तो भाई मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे देखो लोगों ने सरसों की साग लगाया हुआ है, कनक भी लगाई है, काफ़ी मेहनती लोग हैं भाई। फाइनली गाइज यार अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो ये भाई की मशीन चालू है और उनके जो बंदे हैं वो तेल डाल रहे हैं मशीन में इस समय। तो भाई यार आपको क्या बताऊँ, पूरा 1 घंटा लगा है यहाँ नीचे से यहाँ तक पहुँचने में, और मेरा तो पसीना पड़ पड़ के मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका है। वो तो देखो भाई यार आपको क्या बताऊँ, ये इतनी बहुत बुरी, मतलब इतनी गंदी जगह ना भाई, आपको यहाँ से अगर बंदा नीचे गिर जाए तो भाई बचेगा नहीं यहाँ से, मतलब नीचे बंदा मर ही जाएगा यार। आप देख सकते हो यहाँ का व्यू एकदम, मतलब बहुत मस्त व्यू, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। तो क्या बताऊँ यार, ये लोग जो ऑपरेटर होते हैं ये लोग अपनी जान को रिस्क में डाल के ऐसी ऐसी जगह कटिंग करते हैं ना भाई। तो भाई यार अब मैं जा रहा हूँ घर, तो हवा भी यहाँ पे काफ़ी तेज़ चल रही है, ठंडी हवा हो गई भाई। तो ये देखो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है भाई, उधर से पहाड़ी पहाड़ है, यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है भाई। ये देखो लोगों ने भाई खेतों में सरसों का साग लगाया हुआ है, साथ में कनक भी लगाई हुई है। मैं आपको यहाँ से यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ भाई, और फिर चलो चलते हैं घर। तो भाई यार मैंने यहाँ से एक शॉर्ट रास्ता देखा है, जिससे कि हम उस वाले रास्ते से इस वाले रास्ते से जल्दी पहुँच जाएंगे। वो वाला रास्ता जो काफ़ी लेंथी है, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे शॉर्टकट और जल्दी से जल्दी अपनी बाइक के पास पहुँच। कितना बड़ा झरना है भाई, बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी, कम से कम 200-250 मीटर हाइट है इसका। अब मैं तभी यहाँ पे आऊँगा जब भाई यहाँ पे रोड जो सही हो जाएगी, और यहाँ तक सीधी डायरेक्ट हमारी यहाँ तक धनछो, ये इस जगह का नाम धनछो बोलते हैं भाई, यहाँ पे काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है। जब यहाँ पे गाड़ी आएगी उस टाइम में तब यहाँ पे आऊँगा, फिर आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये है झरना, देखो
काफ़ी हाई से भाई, इतना अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है भाई यार। गर्मी में यहाँ आएंगे, यहाँ पे बंदा आराम से बैठ के चिल कर सकता है भाई, अपने आराम से नहा भी सकता है, एकदम इंजॉय कर सकता है। तो चलो गाइस यार, बस अब मैं 10 मिनट में अपनी बाइक पे पहुँच जाऊँगा, फिर उसके बाद निकलते हैं घर। तो फिर ठीक है गाइस, चलते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, और फुल सपोर्ट करो यार भाई। तो चलो गाइस, राम राम, बाय। से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तक खुशियों ने दी थी।